ये क्या कौन है, ये ग्रैंडफादर है, कौन है ग्रैंडफादर, ऐसे ग्रैंडफादर, ठीक है, ये कौन है फादर, ये कौन है सन, ठीक है। अब सपोज करिए कोई कैरेक्टर्स है, चाहे वो आई कलर का हो या हेयर कलर हो, ठीक है, कोई कैरेक्टर होता है जो वो ग्रैंडफादर से फादर के अंदर आया और फादर से वो ट्रांसफर हुआ कहां पे, सन, यानी सपोज करिए आई कलर, आई कलर, ठीक है, आई कलर जो है वो ग्रैंडफादर से, वो वही आई कलर आपके फादर को मिला और उस फादर से आपको मिला, तो ये जो है ये आई कलर जो क्या कैरेक्टर्स है ये ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसे ही हम कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेड। फिर नेक्स्ट बात आती है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या होता है, अब वेरिएशन आप कैसे समझेंगे, अब आप देखेंगे कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके और आपके पेरेंट्स से मैच करते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके पेरेंट्स से मैच नहीं करते, जो डिफर करते हैं, जो वेरी करते हैं, तो जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से नहीं मैच करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएशन, वही क्या है वेरिएशन होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करें जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स क्या है, अब जेनेटिक्स का एक ब्रांच होती है बायोलॉजी के अंदर आती है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब हम लोग वेरिएशन और हेरिडिटी की हेरिडिटी को एक साथ स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो फादर है ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात आती है ट्रैट, ठीक है, ये ट्रैट क्या होता है, व्हाट इज द ट्रैट, ट्रैट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, ट्रैट का मतलब है कैरेक्टर्स, यानी यहाँ पे हमने क्या बताया था एग्जांपल में, जैसे आई कलर हो गया, ठीक है, या फिर आप देखेंगे स्किन कलर हो गया, ठीक है, स्किन कलर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हेयर कलर, तो ये जो कलर्स हैं यहाँ पे, चाहे स्किन कलर हो, आई कलर हो, हेयर कलर हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं ट्रैट्स, ठीक है, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं को हम क्या कहते हैं ट्रैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीन, जीन क्या है, जीन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्या कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जो ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, ठीक है, जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, यानी जीन्स के थ्रू ही कैरेक्टर जो होते हैं एक जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट आता है एलील, ठीक है, एलील क्या है, एलील जो है वो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, वो ये क्या है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म है। अब सपोज करिए जीन दो तरह के, ठीक है, जैसे ये जीन है टी जीन, ठीक है,